झूलों की इस दुनिया में जाकर हर किसी का चेहरा खिल उठता है। वैसे तो हम सब ने बचपन में कई बार झूलों के इस संसार की सैर की होगी, लेकिन आज हम आपको जिस दुनिया में ले जाने वाले हैं, वहां जाने के लिए पैसों से ज्यादा जिगरे की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अगर आपको एस्ट्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई से डर लगता है, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे मत देखना। लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो हो जाइए तैयार एक रोमांचक सफर के लिए। वूहू! ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर का मशहूर झूला फाल्कन फ्यूरी, जिसे स्काई राइड भी कहते हैं, ये झूला इतना ऊंचा है कि जमीन से देखने के लिए गर्दन को 45 डिग्री तक ऊपर घुमाना पड़ता है। एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद ये झूला राइडर्स को 90 डिग्री तक नीचे घुमा देता है, जिसके बाद उन्हें एक अजीब सा डर लगना शुरू हो जाता है, दिल गुड़गुड़ करने लगता है। कुछ और सोच पाए इससे पहले एक ही झटके में झूला खुलता है और तेजी से नीचे की तरफ आता है। राइडर्स की चीखें निकलने लगती है। न्यूजीलैंड की नेविस कैटापुल्ट राइड 492 फीट बुलंदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी गुलेल है, जो राइडर्स को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फेंक देती है। सोचकर देखिए इसमें राइड करने वालों की क्या हालत होती होगी। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के लिए भी जिगरे की जरूरत है। चाइना की वादियों में खाई के ऊपर 200 मीटर की ऊंचाई पर बने इस झूले का नाम है डेथ ब्रिज। इस पर चलने से पहले लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। सीढ़ियों पर चलकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के दौरान लोगों के एक्सपीरियंस रूह कंपा देते हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो भूल कर भी इस झूले को ट्राई ना करें। 1500 मीटर की ऊंचाई पर तियानमेन माउंटेन पर बने इस पुल पर जाने वालों के पसीने छूट जाते हैं। इस पुल पर चलने पर कांच के टूटने का एहसास होता है, तो बड़े बड़े शुरमाओं की भी फटने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है इसमें कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगा वीकेट ट्विस्टर एक डैंगलिंग कॉस्टर है, जो राइडर्स को 116 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा में 360 डिग्री एंगल पर घुमाते हुए नीचे लाता है। जरा सोचिए इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद कैसा महसूस होता होगा। अब आपको सैर कराते हैं अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड में स्थित फॉर्मूला रोलर कोस्टर राइड की। फॉर्मूला रेसिंग जैसी रफ्तार वाला यह रोलर कोस्टर सिर्फ 4.9 सेकंड में ही 240 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है, जो उसे दुनिया का सबसे फास्ट रोलर कोस्टर बनाता है। अगर कोई खुद को एक बहादुर रेसर समझता है, तो उसे इसकी सवारी करके अपना वहम जरूर निकाल लेना चाहिए। 114 फीट ऊंचा ग्रेविटी मैक्स राइड आपको राइड का एक अलग एक्सपीरियंस देता है। ये पहले तो राइडर को 90 डिग्री पर मूव करके राइडर को टिल्ट करके लटका देती है, और अगले ही पल आपको नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन नीचे पहुंचकर आपको महसूस होता है कि अभी तक तो मैं जिंदा ही हूं। एक बार में 40 लोगों को राइड करा देने वाले इस पेंडुलम नुमा झूले का नाम है फ्रिस्बी राइड। यह झूला घूमते हुए जब ऊपर की तरफ जाता है, तो कलेजा कांपना शुरू होने लगता है। चलिए यहां तक भी आप नहीं डरे, तो आगे जाकर आपकी चीखें निकलने तय होगी जब यह झूला 50 फीट की ऊंचाई में ले जाकर 130 डिग्री के एंगल के साथ आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे लाएगा। ओह माय गॉड, तब ऐसा लगेगा कि धड़कनें रुकने वाली है। जब यह राइड खत्म होती है, तो राइडर्स की क्या हालत होती है, यह आप खुद ही देख लीजिए। दुनिया के नक्शे पर चस्पा यूनाइटेड किंगडम, जहां लोगों के हाथ पांव बांधकर रस्सी के सहारे झूलते हुए नीचे उतारा जाता है। इस रोमांचक राइड का नाम है जिप वर्ल्ड वेलोसिटी राइड। 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी ऊंचाई से इतनी गहराई तक पहुंचने के दरमियान
राइडर्स के दिलो दिमाग में जो चल रहा होता है वो बयां करना यहाँ बड़ा मुश्किल। फ्लाइंग किस नाम का ये झूला भले ही दुनिया का सबसे खूबसूरत झूला कहलाता हो, लेकिन 3300 फीट की बुलंदी पर लगे इस झूले में न तो कोई सेफ्टी बेल्ट है और न ही बैठने के लिए कोई सीट। बस आप सिर्फ रेलिंग को पकड़कर खड़े रह सकते हैं। ये झूला स्टैच्यू के हाथों में लगा है और ये दोनों स्टैच्यू चाइना की मशहूर लव स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर आप खतरों के शौकीन हैं, तो आपको जीरो ड्रॉप राइड जरूर ट्राई करना चाहिए, जो आपको पहले तो होले होले 350 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है और फिर झटके के साथ ही केबल के सहारे नीचे ड्रॉप कर देती है और गोल गोल घुमाते हुए फिर से ऊंचाई पर ले जाती है और टॉप पर ले जाकर 120 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ड्रॉप कर देती है। बाप रे बाप, ये एक्सपीरियंस तो किसी की भी चीखे निकालने के लिए काफी है। ओहायो के किंग्स आइलैंड में मौजूद बंची रोलर कोस्टर की सवारी करने वाले का कलेजा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 1257 मीटर लंबा और 167 मीटर ऊंचा ये रोलर कोस्टर जब 150 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो कलेजा हाथ में आ जाता है। गिरते समय इसकी स्पीड 109 किलोमीटर तक होती है, जो इसे सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर में से एक बनाती है। ये जब खतरनाक मोड़ लेते हुए नीचे की तरफ आता है तो लगता है मानो किसी बवंडर में फंस गए हो। इसलिए हमारी हिदायत है कि इस राइड में बैठने से पहले चार बार सोच जरूर लेना। यहाँ तो आप जिंदा बच गए, लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा जब एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद कोई झूला अटक जाए और आप दर्जनों फीट की ऊंचाई में हवा में उल्टे ही लटके हों। सोच कर ही रूह कांप रही होगी ना। लेकिन जापान के एक अम्यूजमेंट पार्क में कुछ ऐसा ही हुआ था। क्योडो न्यूज के मुताबिक यूनिवर्सल स्टूडियो का रोलर कोस्टर अचानक हवा में ही रुक गया, जिसके बाद करीब 60 से ज्यादा लोग उल्टे लटके रहे। जिसने भी इस वाक्य के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जैसे तैसे राइडर्स को उतारा गया। ये वीडियो जापानी न्यूज़पेपर असाही शिम्बन में पोस्ट किया है। ऊंचे पहाड़ों पर बने जायंट कैनियन राइड की सैर करना रिस्क के साथ एडवेंचर से इश्क करने जैसा है। धीरे धीरे जब ये झूला तेज आवाज के साथ ऊंचा और ऊंचा उठने लगता है तो इसमें बैठे लोगों को उनके फट्टू होने का एहसास करा देते हैं और आखिर में जो होता है वो ये साबित कर देता है कि उनका जिगरा फौलादी नहीं है। जर्मनी की टेलकॉन राइड, जो राइडर को गोल गोल गुलाटी खिलाकर डर और रोमांच का खौफनाक एक्सपीरियंस करवाती है। जैसे ही यह झूला घूमने लगता है राइडर्स की सांसें हलक पर आने लगती है। ये देखिए पहली गुलाटी और ये दूसरी गुलाटी और ये तीसरी गुलाटी भी और ये चौथी ये पांचवी गुलाटी। यहाँ तक आते आते तो चीख पुकार मच जाती है और डरे हुए राइडर्स पर पानी की बौछारें होने लगती है। ओह माय गॉड, इससे खौफनाक और खतरनाक भला क्या होगा। ना ना दोस्तों, ये आसमानी इमारत 328 मीटर ऊंचा स्काई टॉवर है, जहां से राइडर को नीचे जंप करवाकर डर और रोमांच का अनुभव कराया जाता है। अरे हम तो ये बताना ही भूल गए कि इन राइडर्स को रस्सियों के सहारे नीचे कुदाया जाता है। लेकिन आप इस राइड पर जाएं तो रस्सी बांधना मत भूलिएगा। वैसे क्या आप लाइफ में कभी इतनी अनोखी राइड का लुफ्त लेना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अमेरिका का एक खूबसूरत शहर जिसकी खूबसूरती निहारने के लिए 1000 फीट ऊंची इमारत के 94 फ्लोर पर एक खास किस्म की ऑब्जर्वेशन डेक बनाई गई है, जिसका नाम है टिल्ट, जिसमें लगी कांच की डेक को 30 डिग्री तक झुकाकर लोगों को शहर का नजारा दिखाया जाता है। इस कड़ी में पहले तो कांच की डेक को धीरे धीरे नीचे की तरफ टिल्ट किया जाता है। इस दौरान देखने वालों के रिएक्शन भी देखने वाले होते हैं। 1000 फीट की ऊंचाई से जहां से बड़ी बड़ी इमारतें भी चिन्नी मिन्नी लगती है, उन्हें 30 डिग्री तक झुकाकर देखना डराने वाला होता है। हर सेकंड लगता है कि बस गिरने ही वाले हैं
कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें एक पंछी की तरह उड़ते हुए शिकागो को देखने का रोमांचक एक्सपीरियंस हासिल होता है। आप भी कभी शिकागो जाएं तो टिल्ट को ट्राई करना मत भूलिएगा। अगर आप शेर जैसा जिगरा रखते हैं तो लॉस वेगास के एक गगनचुंबी इमारत पर बनी एक्सक्रीम राइड पर बैठकर दिखाइए। आपका कलेजा मुंह में ना आ जाए तो कहना। बिल्डिंग किनारे लगा 900 फीट ऊंचा यह झूला इतनी तेज रफ्तार से नीचे की ओर आता है कि किसी की भी चीखें निकल जाए। एक तो 350 मीटर गहरी खाई, ऊपर से इस राइड की इतनी ऊंचाई को देखकर ही चक्कर आ जाए। यूएसए के कोलोराडो शहर में बने इस डेडली और डेंजरस राइड का नाम है रॉयल रस स्काई कोस्टर, जो राइडर्स को फ्री फॉल का खतरनाक एक्सपीरियंस कराती है। इसमें उन्हें केबल से बांधकर डरा देने वाली ऊंचाई से एक झटके के साथ हवा में छोड़ दिया जाता है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में राइडर्स की चीखें नहीं निकलेगी तो फिर क्या ही होगा। इसलिए कमजोर दिल वाले लोग तो इससे दूर ही रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने किस दोस्त के साथ इन राइड्स का मजा लेना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।